नाइजीरिया में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एक फ्यूल टैंकर और ट्रक से टकरा गया और जिससे भारी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की चपेट में आने से कम 48 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में अभी चल रहा है। इस हादसे में 50 मवेशी भी जिंदा जल गए हैं।